एक पुरानी उक्ति है, अकबर ना होता तो तानसेन ना होता, बीरबल ना होता। यदि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कहा जाए तो क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर होते ही नहीं यदि राजसिंह डूंगरपुर ना होते। यदि इंदौर के परिप्रेक्ष्य में, खासकर इंदौर की खेल पत्रकारिता जिसे पूरे देश में सराहा जाता, हिंदी खेल पत्रकारिता, उसके परिप्रेक्ष्य में कहूँ तो अशोक कुमार साहब जो कि आदरणीय गुरुदेव हैं, मेरे पास बैठे हैं, वो हैं और चिरायु हों, मैं ऐसी कामना करता हूँ। यदि उनका मुझ जैसे सीमान सुवीर जो कि देसी खेलों के महान जानकार हैं, बड़े राइटर हैं, राजीव रिसोड़कर जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट के सर्वकालिक महान राइटर कहे जाते हैं, वे ना होते। कुमार साहब ने हज़ारों जिंदगियाँ बनाई हैं, खासकर स्टूडेंट्स की, जबकि वे सहायक प्राध्यापक रहे, उसके बाद उन्होंने उसके ऊपरी पदों को सुशोभित किया। हिंदी खेल पत्रकारिता इंदौर से शुरू हुई, लेकिन जब देसी खेल पत्रकारिता हो रही थी जिसमें क्रिकेट को इधर रखा जा रहा था, तो कुमार साहब ने क्रिकेट के लिए अपने हिसाब से दौड़ लगाई। उन्होंने इंदौर के लिए कुछ ऐसे नए काम किए जो हमेशा याद रखे जाएंगे। महज जब मैं छोटा था और मैं एक पाठक था, तो कुमार साहब ने शारजाह की यात्रा की, जहाँ की शारजाह क्रिकेट कप टूर्नामेंट होता था। ऐसा ही दुनिया में कोई शायद स्थान रहा हो जहाँ की कुमार साहब ने जाकर क्रिकेट कवर न किया। मेरी हैसियत तो नहीं कि मैं उनके पास बैठूं, लेकिन इस शो की एक बाध्यता है जिसके कारण मुझे उनके नज़दीक बैठना पड़ रहा है, उसके लिए मैं उनसे माफ़ी चाहता हूं। और पहला सवाल करता हूं, सर आपके भीतर जो क्रिकेट राइटर है उसको आपने कैसे रोक रखा है, जबकि आप नवभारत के संपादक पद को आपने सुशोभित किया, देश का नंबर एक अखबार दैनिक भास्कर, यदि हम इसके पुराने दिनों में जाएँ तो जो दुनिया में जितनी भी सुंदर बिल्डिंगें होती हैं उसमें लोग नींव को भूल जाते हैं, तो आप उसकी एक नींव थे, तो आपने अपने आपके क्रिकेट राइटर को कैसे रोक रखा है? नहीं, कोई रोक नहीं रखा है। क्रिकेट अभी भी देखता हूँ, क्रिकेट फॉलो करता हूँ। ये बात अलग है कि क्रिकेट पे अब लिखता नहीं हूँ, बहुत लिख लिया है, लगभग गलत नहीं होगा तो 3,500-4,000 बायलाइन मेरी भास्कर में छपी है। 18 साल में उनके साथ रहा, मुझे बहुत अच्छे से अभी भी स्मरण है कि 1983 का वर्ल्ड कप जब इंडिया जीती थी और उस रोज अखबार 5 रुपये ब्लैक में बिका। पंडित नेहरू की डेथ के बाद ये पहला अवसर था कि जब कोई अखबार ब्लैक में बिका हो, और उसी रोज वह अखबार इंदौर के अंदर इस्टेब्लिश हो गया था। उसके बाद क्रिकेट को लेकर मैंने शारजहाँ में मैंने 3 टूर्नामेंट कवर किए, उसके बाद मैं इंग्लैंड गया, 1987 की सीरीज़ मैंने इंग्लैंड में कवर करी, इंग्लैंड का वर्ल्ड कप कवर किया, मैंने साउथ अफ्रीका का वर्ल्ड कप कवर किया, जिम्बाब्वे में मैं गया, वेस्ट इंडीज़ जाने वाला मैं इंदौर का पहला पत्रकार था जिसने वेस्ट इंडीज़ की 3 महीने की यात्रा की। नाइन्टी टू में मैं ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड होकर आया, तो लगभग क्रिकेट तो मैंने सब तरह से देखा है, जाना है, पहचाना है। और इंदौर में भी किसी अखबार को इस्टेब्लिश करना, जबकि उस ज़माने के अंदर एक अखबार सर्वश्रेष्ठ और देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ अखबार माना जाता था और उसकी खेल पत्रकारिता के चर्चे सब जगह होते थे, तो उस अखबार के अंदर कॉम्पीट करने के लिए मुझे लगा कि कुछ नया जब तक नहीं करेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो हमने लोकल टूर्नामेंट पर कॉन्सनट्रेट किया, लोकल टूर्नामेंट के स्कोरबोर्ड छापना शुरू किए। तो जिस छोटे से बच्चे ने अगर 50 रन बनाए हैं या 0 रन बनाए हैं या 5 विकेट लिए हैं या 4 विकेट लिए हैं, अगर वो अपना नाम अखबार में देखता था तो उसको बड़ी प्रसन्नता होती थी। तो इस तरह से धीरे 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 हमने भास्कर को इंदौर के अंदर इस्टेब्लिश किया, और मुझे आज भी बहुत अच्छे से स्मरण है कि उसके बाद तो फिर एक बार जब 1983 के वर्ल्ड कप के बाद जिस रोज अखबार ब्लैक में बिका, तो उसके बाद सारा का सारा हम लोग इस्टेब्लिश हो गए। एक टीम थी जो दोपहर 3 बजे से अपना काम शुरू कर देती थी, और रात को हम लोग, मुझे ख्याल नहीं कि कभी 2 बजे के पहले हम लोग घर गए हैं। एक जुनून की तरह, एक पूरी तरह से समर्पण की तरह हम लोगों ने उस अखबार के अंदर काम किया है, और मुझे अपने आप को मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि नेल्सन मंडेला का मैंने साउथ अफ्रीका के अंदर इंटरव्यू किया, जो कि संडे मैगजीन में भास्कर में छपा है। डॉन ब्रैडमैन से इंग्लैंड के अंदर मैं मिला, उनसे इंटरव्यू तो नहीं कर पाया मैं क्योंकि वो इंटरव्यू देते नहीं थे, लेकिन उनके साथ फ़ोटो हो गई, वही अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। गैरी सोबर्स से मिला, गैरी सोबर्स का इंटरव्यू किया, एडम गिलक्रिस्ट का इंटरव्यू किया,
तो वेस्ट इंडीज़ की जो फास्ट बॉलर्स की चोकड़ी थी वो उन लोगों के साथ बातचीत करी, उनके इंटरव्यूज़ लिए हैं, उनके इंटरव्यूज़ भास्कर के अंदर पब्लिश हुए हैं। और इमरान खान हैं, आप जावेद मियादाद ले लें, जावेद बरकी ले लें, ऐसे हनीफ मोहम्मद खान ले लें, ऐसे बड़े बड़े सरफराज नवाज जो वहाँ के मीडियम पेस बॉलर थे सरफराज, उनका इंटरव्यू किया। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू किए जिनको आज की पीढ़ी शायद लगभग विस्मृत कर चुकी है। लेकिन उस ज़माने का क्रिकेट पूरी तरह से अलग था। आज तो क्रिकेट पूरी तरह से कमर्शलाइज हो गया है, व्यावसायिक हो गया है, लेकिन उस ज़माने में क्रिकेट का सारा स्वरूप और ढांचा पूरी तरह से अलग था। मुझे अभी भी ख्याल है कि बॉम्बे जब मैं टेस्ट मैच देखने जाता था या कवर करने जाता था, तब 5 दिन पूरी तन्मयता के साथ बॉम्बे का क्राउड उस क्रिकेट मैच को देखता था, तन्मयता के साथ देखता था। आज सामान्यतः ऐसा होता नहीं है, टेस्ट मैच में लोगों की दिलचस्पी उतनी बड़ी नहीं है। 20 ओवर्स क्रिकेट हो गया है, 50 ओवर्स क्रिकेट हो गया है, और अभी कुछ दिनों से तो 10 ओवर्स का क्रिकेट भी शुरू हो गया है। ये फटाफट मसाला क्रिकेट के अंदर आ गया है, लेकिन उस ज़माने में मसाला नहीं था, एक कलात्मक क्रिकेट था। और उस कलात्मक क्रिकेट के अंदर आपको सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, इन जैसे लोगों को मैंने खेलते हुए देखा है, इनका बढ़िया प्रदर्शन मैंने देखा है। तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं अपने जीवन की मानता हूँ। सर, आज पत्रकारिता एकदम आधारित हो गई, इंटरनेट पर आप क्लिक कीजिए आपको बॉल टू बॉल कवरेज मिल जाता है। लेकिन जब आप पत्रकारिता कर रहे थे तो मुझे याद है दो बजे टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई इंदौर पहुंचता था, जनसत्ता आता था, एजेंसी भी बहुत व्यापक कवरेज नहीं देती थी, बहुत लेट देती थी, जबकि आपको फर्स्ट एडिशन भी करना होता था। तो उस ज़माने में आप चुनौतियों पर कैसे पार पाते थे, जबकि आप दैनिक भास्कर में 1.5 से 2 पेज आते थे? देखिए, उस ज़माने में तो इंटरनेट था नहीं। मुझे अभी भी बहुत अच्छे से स्मरण है कि जिस रोज इंडिया ने विश्व कप जीता था उस रोज हमने हमारे फोटोग्राफर को पूरे टाइम टीवी पे दिखा रखा था। तो वेस्ट इंडीज़ के जो 10 विकेट गिरे वो सारे के सारे 10 विकेट उसने किए थे, और वो टीवी के फ़ोटो हमने अखबारों में छापे। तो ये अपने आप में एक नया प्रयोग किया हम लोगों ने। जब तक आप कोई नए प्रयोग नहीं करेंगे, सुनील गावस्कर का जब कॉलम देश के अखबारों के अंदर शुरू हुआ तो उस कॉलम को हमने शुरू यहाँ पर करवाया, रवि शास्त्री का कॉलम शुरू करवाया, गुंडप्पा विश्वनाथ ने भी कुछ समय तक कॉलम शुरू किया था लेकिन वो रेगुलर नहीं हो पाया। तो ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े क्रिकेटर्स के कॉलम हम लोगों ने अखबार के अंदर शुरू किए, और उसी का नतीजा था कि अखबार ने दिन दुनी रात चौगनी प्रगति की विस्तार किया, और आज वो देश का सर्वश्रेष्ठ अखबार बना है। तो उसकी नींव तो उसी वक्त रखी गई थी। सर, हिंदी के महान संपादक आदरणीय राजन माथुर साहब, और वो तो रहे नहीं है, प्रकाश पुरोहित जी, इसके बाद आप ऐसे तीसरे व्यक्ति जिन्होंने कभी भी किसी ट्रेनी से या किसी खेल पत्रकार से बायोडाटा नहीं लिया? नहीं, लग जाता था। हम जैसे नगीन बार क्या ले लीजिए, सीमान सुबीर ले लीजिए, सुभाष सातालकर ले लीजिए, राजीव रिछोड़कर ले लीजिए, इन सब लोगों को हम लोगों ने कहा कि आइए लिखिए, और इनको मैं बोलता था कि आप ग्राउंड पे जाइए, जो लोकल टूर्नामेंट चल रहा है उस लोकल टूर्नामेंट को कवर कीजिए, वहाँ जाकर देखिए। किसी एक बच्चे ने अगर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो उसकी क्रिकेट की विशेषताओं को आप अपने अखबार के अंदर प्रमुखता से छापिए, उसको स्थान दीजिए। केवल स्कोरबोर्ड छापना ही पर्याप्त नहीं है। तो एक ट्रेंड हम लोगों ने वो किया। मैं आपको बहुत अच्छे से बताता हूँ कि उस जमाने के अंदर टेबल टेनिस के अलावा अखबारों में कुछ नहीं छपता था, बहुत ही स्पष्ट मैं कहना चाहूँगा। तो लेकिन जब वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप हो रही थी तो रात को 1:30 बजे रिजल्ट आया, और 1:30 बजे जब रिजल्ट आया तो हमने उस 1:30 बजे अल्टर किया अखबार और दूसरे रोज लगा दिया, और जो अखबार टेबल टेनिस के कारण विख्यात था उसमें उसका रिजल्ट ही नहीं था। तो हम जागरूक रहते थे, पूरे चौकन्ने रहते थे कि आज कौन सा इवेंट है, आज विंबलडन में फाइनल है तो किसका फाइनल है, सेमीफाइनल है तो किसका फाइनल है, अगर ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियनशिप हो रही है तो वहाँ पर, वो तो खैर सुबह ही रिजल्ट आ जाते थे। फिर धीरे धीरे टीवी एंटर होने लग गया तो सारी चीज़ें बहुत आसान होने लग गई। लेकिन उस ज़माने के अंदर न तो प्रेस नोट आते थे, न फैक्स था, न कुछ था। 1987 में जब मैं पहली बार इंग्लैंड टूर कवर कर रहा था जिसमें कपिल देव के नेतृत्व में टीम गई थी और हम लोगों ने सीरीज़ जीत ली थी, तो मुझे बहुत अच्छे से स्मरण है कि तब मैंने पहली बार हिंदू वालों के पास फैक्स मशीन देखी, और मैंने यहाँ आके मैनेजमेंट को कहा कि भाई हम लोगों को भी फैक्स मशीन लगा लेनी चाहिए। उस ज़माने में लगभग 2-1 लाख रुपये फैक्स मशीन का की कीमत हुआ करती। तो उन्होंने कहा, बोले क्या काम है, जो 5-10 हज़ार रुपये में मॉडम से जो काम हो जाता है उसी से हम चलाएंगे। लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे बात समझ में आई, तो सबसे पहले फैक्स लगाने का काम उसी अखबार के अंदर शुरू हुआ। तो एक क्रांति आने लग गई, रिपोर्ट आप फटाफट लिखिए और
वो कर दीजिए, भेज दीजिए। अब तो और उससे भी आसान हो गया है, आप अपनी रिपोर्ट फाइल कीजिए, सीधी सीधी मशीन पे आ जाती है वो। तो समय पूरी तरह से बदल गया है, लेकिन जो चुनौतियाँ और जो मुश्किलें हम लोगों ने, तब कैमरामैन के पास बड़े बड़े लेंस नहीं होते थे लोकल कैमरामैन के पास, तो हम लोगों ने हमारे कैमरामैन को तैयार किया कि नहीं भाई एक लेंस लीजिए आप, कुछ फ़ोटोज़ हम वैसे लें कि एक्शन फ़ोटोग्राफ्स लें, तो एक्शन फ़ोटोग्राफ्स के लिए आपके पास लेंस बहुत ज़रूरी हुआ करता था। तो धीरे धीरे वो क्रांति भी हुई, और उसके बाद फिर बहुत आनंद भी आया, बहुत सारी अविस्मरणीय यादें इनके साथ जुड़ी हुई है। पाकिस्तान भी दो बार होकर आया, और पाकिस्तान की यात्रा भी बहुत अद्भुत रही थी। एक बार तो श्रीलंका जिसमें फाइनल जीता था, वो वर्ल्ड कप का फाइनल हमने देखा, 96 का फाइनल हम लोगों ने देखा, फिर 99 वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हमने कवर किया। तो तब 15 से 16 घंटे रोज़ काम करते थे, तब जाकर आप सारी की सारी चीज़ों से कॉम्पीट कर सकते थे। सर, एक हिंदी अखबार आज भी अपने संवाददाताओं को कोई टेस्ट मैच या वनडे मैच कवर करने नहीं पहुँचाते, आपने इन चुनौतियों का सामना उस ज़माने में, जबकि क्रिकेट का ज़्यादा अखबार की दुनिया में माहौल नहीं था, आपने एक तो माहौल क्रिएट किया, तो आपने मैनेजमेंट को कैसे मनाया? मैनेजमेंट को मनाने की ज़रूरत ही नहीं थी, मैनेजमेंट बहुत समझदार था, मैनेजमेंट आज भी समझदार है। वो जानता था कि बिकता क्या है, बिकने वाली चीज़ कौन सी है। मुझे ख्याल है कि 99 वर्ल्ड कप जो इंग्लैंड में हुआ था और जिसको मैंने कवर किया था, उसमें केवल टूर डायरी ही लगभग 1 करोड़ के आसपास बिकी थी। तो उससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, अगर रेवेन्यू जनरेट होगा तो लोग भेजेंगे उसके लिए। तो रेवेन्यू जनरेट टूर डायरी आप ले लीजिए, इंटरव्यूज़ के कॉलम भेज दिए, स्कोरबोर्ड भेज दिया आपने, तो सारी चीज़ें आजकल बिकाऊ हो गई हैं। तो उसके परिप्रेक्ष्य में तो वो बहुत ही छोटे मायने था कि आप अपने पत्रकार को इंग्लैंड भेज रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया भेज रहे हैं या न्यूजीलैंड भेज रहे हैं, लेकिन एक विश्वास जीता, एक विश्वास स्थापित किया, उसके बाद उस पे विजयी हुए। और उसके बाद फिर मैनेजमेंट को लगा कि भाई इसके माध्यम से हम बहुत सारे दूसरे वेन्यूज़ और एवेन्यूज़ खोल सकते हैं। अगर हम अपने एक पत्रकार को भेज रहे हैं तो टूर डायरी बिकेगी, स्कोरबोर्ड बिकेगा, उसके कॉलम बिकेंगे, मैच का रिव्यू बिकेगा, मैच का प्रीव्यू बिकेगा, सब चीज़ों में लोगों लगते थे और वो बिक जाते थे। तो अपने आप में ऐसा नहीं, तो ये तो एक पत्रकार को स्थापित करना पड़ेगा कि भैया मेरी टूर डायरी इतनी पॉपुलर है और उसका रेवेन्यू इतना आ रहा है, तो इसलिए आप मेरे को भेजिए। आपने जितनी क्रिकेट यात्राएं की उसमें, जैसे आप पाकिस्तान गए, आप वेस्ट इंडीज़ गए, इंग्लैंड गए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका का पहला टूर भी आपने कवर किया था जब अजहरुद्दीन कप्तान थे। आपने एक बहुत अच्छी लाइन लिखी थी कि डरबन में भी इंदौर रोड है, मुझे याद है, बहुत सारी लाइनें आपकी याद है। तो आपके लिए ये जितनी भी क्रिकेट की दुनिया की आपने यात्रा की, उसमें सबसे कोई एक अविस्मरणीय क्षण जो आपको हमेशा याद रहता है? मुझे बहुत अच्छे से स्मरण है कि वर्ल्ड कप 19 साउथ अफ्रीका का वर्ल्ड कप 2003 वो हो रहा था और कैपटाउन में मैच था एक, तो उस कैपटाउन के मैच के अंदर एक दिन पहले वहाँ इंडियन जर्नलिस्ट और साउथ अफ्रीकन जर्नलिस्टों का मैच हुआ जिसमें हमारी तरफ से सुनील गावस्कर वगैरह ये सब खेले थे। तो एक कैच गलती से मेरे पास भी आ गया, और चूँकि क्रिकेट खेला हूँ, आई रिप्रेजेंट स्कूल में मैंने मध्य प्रदेश रिप्रेजेंट किया है, तो सुनील गावस्कर वगैरह सब आ गए और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा कैच लिया, ये लिया। खैर एनी हाउ, तो दूसरों जब मैच था तो एक लेडी मेरे पास आई और मुझसे कहा, जेंटलमैन कैन यू हेल्प मी, कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो मैंने उसको देखा तो मुझे लगा कि मुझे नहीं और किसी को कह रही होगी, फिर जब मैंने उसको अनदेखा किया तो दूसरी बार फिर उसने मेरे को रिपीट किया कि जेंटलमैन कैन यू हेल्प मी, फिर मैंने उसकी तरफ देखा तो एक बहुत ही शॉर्ट्स और टी शर्ट में बोले एक लड़की खड़ी हुई थी और वो मुझसे कहती है कि कैन यू हेल्प मी, तो मैंने कहा यस व्हाट कैन आई डू फॉर यू, तो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो उस लेडी ने मुझसे कहा कि आई वॉन्ट ए ऑटोग्राफ ऑफ अजहरुद्दीन। तो मैंने कहा कि अजहरुद्दीन इज़ प्लेइंग सो बैड, और मैं उन दिनों बीबीसी हिंदी से सर्विस के लिए भी काम कर रहा था, तो मैंने कहा इवन देन व्हाई यू आर इंटरेस्टेड ऑफ ऑटोग्राफ विद अजहरुद्दीन। तो उस लड़की ने मेरे को बहुत ही बढ़िया जवाब दिया जो मेरे दिल को चुभ गया। उसने कहा, बोले आई एम बॉर्न इन साउथ अफ्रीका बट बेसिकली आई एम इंडियन, मेरे ग्रैंड फादर कब साउथ अफ्रीका आकर बसे मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मेरे को आज भी अपने आप को इंडियन कहलाने में गर्व महसूस होता है, और मेरे को लगता है कि मैं इंडियन हूँ, और मेरी टीम यदि कर ख़राब भी कर रही है तो भी उसके कप्तान का ऑटोग्राफ तो मुझे चाहिए, और आप इसमें मेरी मदद कीजिए। मुझे लगा कि मैं गलत था,
तो लेकिन ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो जाती हैं आपके साथ, तो जब आपको लगता है कि नहीं कहीं आप गलत हैं और सामने वाला आपको ठीक कर रहा है, क्योंकि उसके लिए देश सर्वोपरि होता है, हम उस वक्त जीत और हार और इंडियन टीम का प्रदर्शन यही सब देख रहे थे, लेकिन उस लड़की ने मुझे बताया कि नहीं, देश पहले है। मुझे याद है जो आपको बात बता रहे हैं, स्पोर्ट स्टार ने कवर फोटो लगाया था अधीरुद्दीन का लाल टी शर्ट में, उसका टाइटल था द रस्ट टीम ऑफ द वर्ल्ड। मुझे बहरहाल ऐसा कोई आपका कोई कड़वा अनुभव रहा, जैसे कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई एपिसोड नहीं हुआ। लगभग 18 साल में भास्कर में रहा, उसके बाद नवभारत में एडिटर रहा, उसके बाद राज एक्सप्रेस में एडिटर रहा। फॉरेन टूर पर ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, हम सब दोस्त लोग साथ में रहते थे, बहुत हिलमिल के रहते थे। मुझे बहुत अच्छे से स्मरण है कि हिंदू का जो फोटोग्राफर वी कृष्णन था, उसके पास उस ज़माने में लैपटॉप वगैरह तो ये कुछ होते नहीं थे, वो बहुत सारा अपना सारा का सारा सामान लाद के चलता था, वहीं फ़ोटो डेवलप करता था और फिर उनको जैसे तैसे वो लोग मद्रास भेजते थे, चेन्नई भेजते थे और उसके बाद वो अखबारों में छपते थे, तो हम उसका सामान शेयर कर लेते थे। और ऐसे बहुत शाम को जैसे हम जोहानसबर्ग में, तो रात में निकलना बहुत मुश्किल है, जब 92 में जब हम साउथ अफ्रीका गए पहली बार, तो उन्होंने बोल दिया था कि आप सारे लोग एक साथ रुकिए। गाड़ी हमको लेने आती थी, गाड़ी स्टेडियम से वापस हमको होटल तक छोड़ने जाती थी, उन्होंने कह रखा था कि आपको रात को कहीं नहीं निकलना है। ऐसा सामान्यतः होता नहीं, अब तो सारी स्थितियां बदल गई हैं। हम जब गए उस ज़माने में तो ले देखे जोहान्सबर्ग में एक इंडियन रेस्टोरेंट था, 2003-04 में जब मैं गया तो वहाँ करीबन 50 इंडियन रेस्टोरेंट्स खुल गए थे, तो सिनेरियो बदल गया, सारी सुविधाएँ बदल गई, सब कुछ परिवर्तन हो गया है, लेकिन सौभाग्य से कोई ऐसा एपिसोड नहीं हुआ। हाँ, एक बार ये ज़रूर हुआ था कि मैं वेस्ट इंडीज़ जा रहा था और 97 की बात है ये, वेस्ट इंडीज़ में, तब शाम को मैंने बैंक से फॉरेन एक्सचेंज ऑफिशियली सारा का सारा चेंज करवाया और मैं कराया, तो मेरा पासपोर्ट जो था वो आगे रखा हुआ था बैग में, और गाड़ी ने ब्रेक लगाया तो पासपोर्ट नीचे गिर गया। मैं शाम की मेरी फ़्लाइट थी, मैं बॉम्बे चले गया, बॉम्बे से सीधा सीधा एयरपोर्ट पे पहुंचा और एयरपोर्ट में जाके लाइन में लग गया, और उसके बाद जैसे ही मेरा टर्न आ रहा था तो मैंने अपना बैग खोल के देखा तो उसमें पासपोर्ट ही नहीं था, तो बहुत परेशान हुआ, रात भर परेशान होता रहा। मेरे इन-लॉज वहाँ रहते थे, उनके यहाँ आ गया, घर पर फ़ोन किया, घर पर सब देख लिया, नहीं दिखा, फिर मुझे लगा कि लास्ट जो पासपोर्ट था वो मैंने बैंक में निकाला था तो शायद गाड़ी में तो नहीं रह गया, तो मैंने अपनी वाइफ को फ़ोन किया, फिर वाइफ बोले कि हाँ वो गई और गाड़ी में उसने देखा रात को 3-4 बजे, तो वो गाड़ी में पासपोर्ट रखा हुआ था। तो फिर उन्होंने सुबह वो एयरपोर्ट गए और उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि आप मेरे हस्बैंड वहाँ आएंगे, आप उनको पासपोर्ट दे दीजिएगा। उसी रोज़ शाम की फ़्लाइट फिर मैंने पकड़ी, एक रोज़ विलम्ब हो गया मुझे उसमें, लेकिन कोई ऐसा हो रहा था कि बस यही एक ऐसा एपिसोड है जिसने मुझे कुछ घंटों तक बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा, लेकिन कोई ऐसा अच्छा कोई ख़राब अनुभव नहीं हुआ, सब अच्छे अनुभव इसके कंपैरिजन में ज़्यादा हैं। पाकिस्तान में गए तो वहाँ पर इंडियन लोग मिलने आ जाते थे आपसे, आपको भोजन कराने ले जाते थे, साउथ अफ्रीका में तो एक बोहरा परिवार हम लोगों को आखिरी दिन भोजन कराने के लिए ले गया कि आप इतने टाइम से इंडियन खाना नहीं खाया होगा तो चलिए आज हम आपको इंडियन खाना खिलाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी सुखद और अच्छी स्मृतियाँ मेरे जहन में जुड़ी हुई है, मेरे मन में हैं, और वो हमेशा मुझे तरोताज़ा बनाए रखती हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के पहले खेल संपादक आदरणीय सुंदर राजन साहब जो अभी दुनिया में नहीं है, हाँ, आरमोहन साहब, अभी मैं उनसे मुंबई में मिला था, विजय लोकपल्ली साहब जो कि दिल्ली में हिंदू ग्रुप के लिए काम करते हैं, और विश्वनाथ सर, ये चारों मैं सर्वकालिक महान राइटर मानता हूँ इनको। आप इनके साथ जिए, आपने इनके साथ काम किया, इनके साथ क्या संबंध रहे आपके? मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। कई बार तो वो हम लोग जब मान लीजिए कि दो इंटरव्यूज़ एक साथ, कोई एक किसी का इंटरव्यू कर रहा है, कोई किसी का इंटरव्यू कर रहा है, कोई किसी को कोई स्टोरी मिल रही है और वो स्टोरी पे काम कर रहा है, तो वो शेयर कर लेते थे हम लोग बड़े, जो हम जैसे आर मोहन के साथ भी मैंने वेस्ट इंडीज़, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका के दौरे किए हैं, विजय लोकपल्ली भी रहे, कृष्णन भी रहे, जी विश्वनाथ भी हमारे साथ रहे हैं, तो इन लोगों से बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में। एक बहुत ही अच्छा किस्सा मैं आपको बताता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में 92 में जब वर्ल्ड कप चल रहा था, तो हम वहाँ से ऑस्ट्रेलिया के मैच ख़त्म करके हमको न्यूजीलैंड जाना था और वापस ऑस्ट्रेलिया आना था,
तो हम बहुत सारा सामान ऑस्ट्रेलिया में रख गए थे कि आएंगे तो वहाँ जो मालूम पड़ा कि वहाँ तो समर चल रहा है, और तो इसलिए गर्म कपड़े हम सारे के सारे यहाँ रख गए ऑस्ट्रेलिया में। और जब वहाँ न्यूजीलैंड पहुँचे तो इतनी सर्दी थी, तो मुझे अभी भी ख्याल है कि प्रभाष जोशी जो कि मेरे को स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में लाए, मेरे गुरु रहे हैं वो, तो उन्होंने कहा, बोले कि नाना मेरे पास 3 स्वेटर हैं, तो उन्होंने मेरे और एक मेरे मित्र को स्वेटर दिया, बोले कि तुम ये स्वेटर पहन लो, अपन बाद में ले लेंगे। तो प्रभाष जोशी के से सीखा है बहुत कुछ, क्योंकि जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था तब प्रभाष जोशी ने यहाँ से मध्य देश करके एक अखबार निकाला था, तो उस मध्य देश अखबार में शाम को जाकर हम लोग लिखते थे। तो प्रभाष जोशी सिखाते थे कि कैसे आपको अपनी कॉपी लिखनी है और कैसे उसमें विविधता लानी है, कैसे उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ आपको डालना है, ये हमने प्रभाष जोशी से ही सीखा है। हाँ सर, रविराज प्रणामी जो कि अभी रिलायंस में एक बड़े पद को सुशोभित करते हैं, वो आपके शिष्य रहे। हाँ, उनकी एक लाइन मुझे हमेशा याद रहती है, जबकि उन्होंने लिखा सचिन तेंदुलकर का इंटरव्यू लेते हुए कि इस लड़के ने आकर क्रिकेट को महंगा कर दिया, 200 रुपये का बैट 2000 रुपये का करवा दिया, 500 रुपये का बैट उसने 10000 रुपये का करवा दिया। ऐसी लोकेंद्र वायस ने एक लाइन लिखी थी, रिची हेट उतारो या यॉर्कशायर, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, वो भी आपके शिष्य रहे हैं। आपने जितने भी शिष्य तैयार किए इनमें आपको आपको सबसे ज़्यादा फक्र किस पर होता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे सारे मेरे जो मैं तो उनको शिष्य नहीं मानता हूँ, मेरे समकालीन रहे हैं, मित्र रहे हैं, मेरे साथ काम किया है, वो मेरे अंडर में रहे हैं, बात अलग है, लेकिन सब अपने अपने प्रतिभा संपन्न थे। और जैसे मुझे ख्याल है कि एक बार शारजाह में हम लोगों ने टूर्नामेंट जीता था, उसके पहले इंग्लैंड जीत कर आए थे, तो बहुत सारे हेडिंग्स हम लोगों ने तैयार किए और फिर उस पर डिस्कस करते थे हम कि यार कौन सा हेडिंग देना है। तो उधर से एक व्यक्ति निकला, उसने बोला, बोले शारजाह की टेम्स नदी के किनारे से शारजाह की बालू तक भारत ही भारत, तो मुझे लगा कि इससे बढ़िया कोई हेडिंग हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे टीम वर्क होता है, ये आप अगर सोचेंगे सब सब कुछ आप कर लेंगे और सब कुछ आप ही कर लेंगे। मैं उनको बोलता था कॉपी लिखो मुझे बताओ, मैं मेरी कॉपी उनको दे देता था कि यार इस कॉपी को चेक करो कहीं इसमें कोई त्रुटि तो नहीं रहेगी। ये हमने प्रभाष जोशी से सीखा था। प्रभाष जोशी जब ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में वर्ल्ड कप हमारे साथ कवर कर रहे थे तो वो अपनी कॉपी दे देते थे, बोले नाना, जबकि मैं भी कवर कर रहा था, मैं भास्कर के लिए कवर कर रहा था, वो जनसत्ता के लिए कवर कर रहे थे, बोले नाना देख ले आने में कहीं गलती तो नहीं रहेगी। तो ऐसा बड़ा आदमी जब अपनी कॉपी आपके सामने खोल कर रख रहा है तो आप उसकी क्या नकल करेंगे और आप उसमें से क्या चुराएंगे और क्या नहीं चुराएंगे, ये इतना नहीं है। लेकिन एक हमने सीखा उनसे कि कॉपी कैसे लिखी जानी चाहिए, कितना कितनी कॉपी में आपकी कॉपी में कितनी कसावट होनी चाहिए, तो ये प्रभाष जोशी से हमने सीखा है। तो इसलिए ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन था, लेकिन बहुत अच्छे से स्मरण है कि नगीन, सीमांत, ये सारे के सारे लोग, इन लोगों ने बहुत ही शिद्दत के साथ पूरे समर्पण के साथ काम किया है, तो इसीलिए हमने एक बहुत अच्छी टीम अखबार में तैयार की थी। सुनील वारियर साहब जो कि अभी नागपुर टाइम्स के संपादक बने, तीन साल पहले मैं उमेश यादव का इंटरव्यू करने गया था तो उनसे मिला, तो मेरी जानकारी के अनुसार और जो क्रिकेट पंडित हैं उनकी जानकारी के अनुसार वो देश के ऐसे पहले खेल पत्रकार हैं जिन्होंने किसी अखबार के संपादक पद को सुशोभित किया। लेकिन एक रिकॉर्ड आपने बनाया था नवभारत का संपादक बनकर, तो एक खेल संपादक होने के बाद संपादक बनना, वो सर कितना चुनौतीपूर्ण था? नहीं, उसका ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं सब बदल दिया था, एक नया बना दिया था नवभारत। नहीं, ऐसा हुआ कि जब मैं भास्कर में काम कर रहा था तब उन दिनों मैं कॉलेज में पढ़ा भी रहा था, उन दिनों कॉलेज में पढ़ाना बड़े सम्मान और फख्र की बात मानी जाती थी, उसके साथ आप अखबार पत्रकारिता भी कर सकते थे। आप प्रोफेसर सरोज कुमार को ले लीजिए, डॉक्टर ओम नागपाल को ले लीजिए, राजन माथुर गुजराती कॉलेज के अंदर प्रोफेसर थे, डॉक्टर रणवीर सक्सेना गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर नेमीचंद जी जैन वो हिंदी के प्रकांड विद्वान थे, वो भी पत्रकारिता से जुड़े रहे। तो ऐसे उस जमाने के अंदर ये ट्रेंड था, तो कोई बड़ी बात नहीं थी। तो जब मैंने स्पोर्ट्स शुरू किया तो उसके बाद फिर मैनेजमेंट ने मुझसे कहा कि आप फीचर पेज भी देखिए, फीचर पेज भी देखने लग गए, रसरंग भी बहुत अरसे तक हम लोगों ने निकाला, संडे मैगजीन निकाली हम लोगों ने रसरंग, तो फीचर पेजेस भी निकाले हम लोगों ने। तो ऐसे ऐसे करते करते ही सारा काम सीखा है। ये मैनेजमेंट का भी हम मुझ पर विश्वास रहा तो उन्होंने बहुत सारी जिम्मेदारियां दे दी, तो ये तो भाग्य की बात है सारी। मैं एक बार फिर आपके सम्मान में कहता हूँ कि आपने अपनी कॉलेज लाइफ, मतलब जो आपके भीतर जो प्राध्यापक बैठे हैं उसके अंतर्गत आपने हजारों लाखों जिंदगी बनाई, खेल पत्रकारिता में आपने सैकड़ों जिंदगी बनाई,
आपको मैंने, मैं आपका एक शिष्य हूँ, बहुत विनम्रता से कहता हूँ, मैंने आपको हमेशा आनंद में देखा है, आप लोगों को खुश रखकर उनकी हेल्प करके खुश रहते हैं। लेकिन एक एक उसकी व्याख्या चाहता हूँ कि आप जब नवभारत के संपादक रहे, दैनिक भास्कर के खेल संपादक रहे और आप प्राध्यापक भी रहे, तो इन तीनों कार्यों में आपको सबसे ज़्यादा आपने किसको एंजॉय किया? मतलब ये मेरा जवाब हो सकता है क्रिकेट को किया, लेकिन आपने नहीं, नहीं, पत्रकारिता को मैंने निश्चित रूप से वो किया है, लेकिन मैंने अध्यापन को भी कभी द्वयम दर्जे का नहीं माना, और उसमें भी पूरी शिद्दत के साथ, चाहे रात को यहाँ 3 बज जाती थी, लेकिन सुबह मैं अपनी क्लास नियमित लेता था और पूरी तैयारी करके जाता था कि अपने स्टूडेंट को पूरी तरह से सेटिस्फाइड कर सकूं, उनके हर उत्तर का, हर प्रश्न का जवाब अच्छे से दे सकूं। तो मेहनत मांगती है, और जब आप किसी कार्य के अंदर पूरी तरह से डूब कर करते हैं उस काम को और पारंगत होकर निकलना चाहते हैं, तो उसके लिए मेहनत तो लगती है, और वो मैंने किया है। और जहाँ तक प्रसन्न रहने की बात है, तो जीवन में सिद्धांत ये है कि आपके साथ, आपके अधीनस्थ जो लोग काम कर रहे हैं, उनके साथ आप बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में काम करेंगे, तो वो अपना 100% अखबार को देंगे। स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी का बेहद निकट, उन्होंने आपको आगे होकर मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का सदस्य बनाया, बाद में आपने उपाध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया। BCCI के बारे में मुझे जानकारी कि आप वर्ल्ड कप में पर्यवेक्षक थे, और अन्य जिम्मेदारियों का भी आपने निर्वहन किया, ये भूमिका आपकी किसी रही? नहीं, वो एक अलग एक्सपीरियंस था। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में मैं 12 साल तक वाइस प्रेसिडेंट रहा, और उसके बाद यहाँ जो मीडिया सेंटर अगर हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया है, तो उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन बहुत, मैंने अपने आप को काफ़ी उसमें वो किया है। और जो लोग कहते थे, बोले हम पत्रकार हैं, आप हमारे को मैच कवर करने दीजिए, तो मैं उनसे कहता था कि रणजी ट्रॉफी तो आप कवर करने आते नहीं हैं, तो हम आपको पास कैसे देंगे। तो उस तब बहुत विरोध का भी सामना करना पड़ा, लोग ये कहते थे कि आप दादागिरी करते हैं, इनका दादागिरी नहीं, एक सिद्धांत है, इंटरनेशनल मैच होगा तो सारे पत्रकार आ जाएंगे, बोले कि आपको पासेस चाहिए। क्यों चाहिए भाई, दुनिया के किसी देश के अंदर ऐसा नहीं होता है। लेकिन वो ट्रेंड हम लोगों ने इंदौर में समाप्त किया, हमने कहा कि अगर आप रणजी ट्रॉफी कवर करते हैं, जोनल टूर्नामेंट कवर करते हैं, दूसरे क्रिकेट टूर्नामेंट कवर करते हैं, देन यू आर एंटाइटल्ड टू इंटरनेशनल मैच, आप इंटरनेशनल मैच भी कवर करने की पात्रता रखते हैं। लेकिन उस ज़माने में तो इंदौर में ट्रेंड ही नहीं था, अगर आपके पास अखबार का मान्यता कार्ड है तो आप भगवान हो गए। लेकिन हमने उसको यहाँ नहीं स्वीकार किया, और उसका मेरे को बहुत विरोध भी सहना पड़ा, लेकिन मैं उस पे से हटा नहीं, और मुझे फ़ख्र है कि आज उसके बाद में जाकर ये नियम एक तरह से बन ही गया है। अब तो सारी की सारी चीज़ें BCCI हैंडल करती है, आपको अगर टेस्ट मैच कवर करना है तो BCCI में आप अप्लाई कीजिए, एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट हैं आप, और उसके बाद फिर आपकी जो कटिंग है वो भेजिए, उसके बाद आपको मान्यता मिलती है। सर, पहले 4 साल में एक सीरीज होती थी क्रिकेट की, क्रिकेट बहुत कम होता था, एक सीरीज का इंतजार होता था कि अब वेस्ट इंडीज इंडिया टीम जाएगी, फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम ही आएगी, लेकिन क्रिकेट के नाम पर अब अजीर्ण हो रहा है। अभी इंटरनेशनल क्रिकेट खत्म हुआ, अब IPL हो जाएगा, उसके बाद फिर इंटरनेशनल क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा, फिर उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट सीरीज हो जाएगी, तो क्या इतना क्रिकेट होना चाहिए? सिनेरियो बदल गया है, खिलाड़ी नहीं थकते हैं, उनको इतना अथाह पैसा मिल रहा है, वो खेलने से जब नहीं थकते हैं तो ऑर्गेनाइजर्स को क्या प्रॉब्लम है, BCCI को या बोर्ड को या स्टेट एसोसिएशंस को क्या प्रॉब्लम है, उनको भी पैसा मिल रहा है, वो भी माला माल हो रहे हैं, दर्शकों को क्या है, दर्शकों को मनोरंजन मिल रहा है, सबको कुछ ना कुछ मिल ही रहा है। जब आप शारजा से लौटे तो दैनिक भास्कर परिसर, जो कि आप एक खिड़की के पास बैठते थे राउंड टेबल पर इस तरफ, तो एक लड़का आता था, वो रोज़ आपको देख कर जाता था, आप हरी टी शर्ट पहनते थे ज़्यादातर और ब्लू पैंट पहनते थे, केप लगाते थे, और आप शारजा से लौटे थे, तो उस लड़के ने किसी से पूछा कि अशोक कुमार जी कौन है, तो उन्होंने बताया वो है, तो वो लड़का आपको 1 महीने तक देख कर जाता रहा, टूटी फूटी साइकिल जाता था, फिर उसने एक दिन साहस जुटाया, वो आपके पास आया, उसने कहा मुझे काम करना है, तो आपने उससे बिना कुछ पूछे 10वीं क्लास पढ़ाता था उसको बिठा लिया, फिर आपने उसको शूज़ दिए, आपने उसको कपड़े दिए, और आपने उसके कंधे पर रखा, वो मैं हूँ, मुझे मालूम है, मैंने आपको वैसा ही देखा था जैसा आज देख रहा हूँ, आप ऐसे ही बने रहें, और यदि ईश्वर मुझे कहे कि तुम कुमार साहब को क्या देना चाहते हो, तो मैं आपको अपनी उम्र देना चाहता हूँ। नहीं, मुझे नहीं, मेरी उम्र आपको ही लगे, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और इतनी तन्मयता के साथ काम करते रहें। मैं यहाँ बैठा हूँ आपके पास, उसके लिए मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ। नहीं, इसमें कोई क्षमा वाली बात नहीं है। नहीं, आपने ग्लोबल टीवी से बात किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो नई पीढ़ी है स्पोर्ट जर्नलिस्ट की, आप उनको यदि कोई संदेश देना चाहें। नहीं, कुछ नहीं, ईमानदारी से काम करें और पूरी तन्मयता के साथ काम करें, और जिस मैच का या जिस खेल का आप रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं उसमें पूरी तरह से आप पारंगत हों, आपको हर चीज़ की उसकी बारीक से बारीक जानकारी हो, तो आप अच्छी रिपोर्ट पेश कर सकें। तो ये हैं डॉक्टर अशोक कुमार साहब, जो कि मेरे गुरु हैं,
देश के जाने माने खेल पत्रकारों के गुरु हैं और उन्होंने हमेशा दिया ही दिया है। और मैं उनके लिए हमेशा एक ही बात मेरे जहन में आती है कि वो जिंदगी बनाने वाला है। सर को प्रणाम करते हुए।